सैल्यूट आपके परिश्रम को, सैल्यूट आपके धैर्य को, सैल्यूट आपकी लगन को, सैल्यूट आपकी जीवटता को, सैल्यूट आपके जज्बे को। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आज सुबह सुबह ही बेंगलुरु में इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क मिशन कंट्रोल कॉम्प्लेक्स में पहुंचे और चंद्रयान 3 के सफल होने पर इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी और धन्यवाद किया। दरअसल 23 अगस्त 2023 को जब भारत ने चंद्र के दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम लैंडर की सटीक लैंडिंग कराकर दुनिया में इतिहास रच दिया था, उस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें ब्रिक्स सम्मेलन के लिए दक्षिण अफ्रीका में गए हुए थे। उन्होंने चंद्रयान की लैंडिंग का सारा दृश्य ऑनलाइन ही देखा, लेकिन साउथ अफ्रीका और ग्रीस के दौरे के बाद अब पीएम मोदी भारत वापस आ चुके हैं। आपको जानकारी के लिए बता देंगे, 40 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली ग्रीस यात्रा थी। पीएम मोदी से पहले 1983 में इंदिरा गांधी ने ग्रीस का दौरा किया था। पीएम मोदी आज सुबह ही ग्रीस के एक दिन के दौरे के बाद सीधे बेंगलुरु के एयरपोर्ट पर ही उतरे, क्योंकि उन्हें इसरो के वैज्ञानिकों से मिलना था, जिनकी दिन रात की मेहनत से ही भारत ने चांद ध्रुव पर तिरंगा लहराया। यूनानी यानी ग्रीस से सीधे बेंगलुरु पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो देश लौटने पर इसरो के वैज्ञानिकों को धन्यवाद देने के लिए सबसे पहले इस शहर में आने से स्वयं को रोक नहीं पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क मिशन कंट्रोल कॉम्प्लेक्स में चंद्रयान 3 मिशन में शामिल इसरो प्रमुख एस सोमनाथ और इसरो टीम के अन्य वैज्ञानिकों से मुलाकात की और 23 अगस्त को चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए उन्हें बधाई दी। पीएम मोदी जब बेंगलुरु एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहां उनके प्रशंसकों ने उनका जोर शोर से स्वागत किया और पीएम मोदी ने सबका धन्यवाद भी किया। बेंगलुरु के इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क मिशन कंट्रोल कॉम्प्लेक्स पहुंचते ही पीएम मोदी इसरो के चीफ एस सोमनाथ से गले मिले और सभी मिशन को सफल बनाने वाले वैज्ञानिकों को बधाई भी दी। चंद्रयान 3 मिशन सफल होने पर आज पीएम मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए कुछ खास घोषणाएं भी की। चंद्रमा के जिस हिस्से पर हमारा चंद्रयान उतरा है, भारत ने उस स्थान के भी नामकरण का फैसला लिया है जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है। अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। इससे पहले चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े हैं, वो पॉइंट अब तिरंगा पॉइंट कहलाएगा। ये तिरंगा पॉइंट भारत के हर प्रयास की प्रेरणा बनेगा और हमें सीख देगा कि कोई भी विफलता आखिरी नहीं होती। इसके अलावा 23 अगस्त को अब हर साल नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। आप जानते हैं कि स्पेस मिशंस के टच डाउन पॉइंट को एक नाम दिए जाने की वैज्ञानिक परंपरा है। चंद्रमा के जिस हिस्से पर हमारा चंद्रयान उतरा है, भारत ने उस स्थान के भी नामकरण का फैसला लिया है। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। हर मन तिरंगा है और चांद पर भी तिरंगा है, तो तिरंगा के सिवाय चंद्रयान 2 से जुड़े उस स्थान को और क्या नाम दिया जा सकता है। इसलिए चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े हैं, वो पॉइंट अब तिरंगा कहलाएगा। 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। इसके अलावा पीएम मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए कहा कि
आप देश को जिस ऊंचाई पर लेकर गए हैं ये कोई साधारण सफलता नहीं है। ये अनंत अंतरिक्ष में भारत के वैज्ञानिक सामर्थ्य का शंखनाद है। इंडिया इज ऑन द मून, हम वहां पहुंचे जहां कोई नहीं पहुंचा था। हमने वो किया जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था। ये आज का भारत है, निर्भीक भारत, जुझारू भारत। ये वो भारत है जो नया सोचता है, नए तरीके से सोचता है, जो डार्क जोन में जाकर भी दुनिया में रोशनी की किरण फैला देता है। इसी दौरान पीएम मोदी ने इसरो की महिला वैज्ञानिकों से भी मुलाकात की और उन्हें बधाई दी। पीएम मोदी ने सभी महिला वैज्ञानिकों के साथ तस्वीर भी खिंचवाई। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग के अगले 14 दिनों तक प्रज्ञान रोवर चंद्रमा पर चहलकदमी करेगा। वहां से जुड़ी तमाम जानकारियों को बेंगलुरु में मौजूद इसरो के कमांड सेंटर में भेजेगा, जिससे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को चंद्रमा के बारे में जानने और उसे समझने का मौका मिलेगा। रोवर का वजन 26 किलो है और इसके 6 पहिए हैं। ये बुधवार शाम को चंद्रयान 3 के चांद पर पहुंचने के 2.5 घंटे बाद ही विक्रम लैंडर से बाहर आ गया था। उसके बाद इसने चांद पर जानकारी जुटाने का काम शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।